خالق السماوات والأرض. سبحان الله سبحان الله. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. سبحان الله وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. سبحان الله سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم آل بيتي كسفينة من ركبها نجا ومن تخالف فقد خلق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ريحانية في الدنيا. سبحان الله. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله تمام خدا جائے کی عقیدت و محبت سے نبی و آل نبی کے حضور با آواز بلند نذرانہ محبت صلاۃ و سلام علیہ وسلم نے یہ صلاۃ اپنے اپنے وقت میں آپ حضرات کو نورانی پیغام دے چکے ہیں. پروردگار ان سب کے علم و فضل میں غیر فانی برکتیں فرمائے. اور ابھی میرے میزبان معظم جن کی محبت اتنی مصروفیات کے باوجود مجھے کھینچ رہی ہے, کیونکہ ابھی شہباز ہے اور شہباز جب چاہے جہاں سے چاہے شکار کر مجھے کھینچ کی محبت لائی ہے. اور جب یہ بیان کروا رہا ہے تو میں سوچ رہا تھا ہے نقش بندی انداز چشتیوں کا ہے, لیکن پھر میں نے کہا یہ ایسی بڑی بات نہیں, چونکہ قادری بھی تو ہے ہی اور وہ اتنی بڑی پاور ہے جہاں پر نقش بندیت بھی قربان ہے جہاں پر چشتیت بھی قربان ہے. والی بغداد کا فیضان تو پھر والی بغداد کا فیضان ہے. بہت بہت فایا پروردگار ان کے آپ حضرات خوش نصیب ہیں. ویسے بھی آل بیت طاہر کے حوالے سے
चंद लम्हे नसीब हो जाना बहुत बड़ी साधत है, मुबारक वक्त नसीब है। और वैसे भी वो वक्त मुबारक है जो बरकत वालों के नाम पे वक्त हो। सुभान समझिए, वक्त है ही वो कि जिसको अल्लाह और उसके हबीब और हबीब की औलाद के लिए कुर्बान किया। इस वक्त की कदर गर्मी क़यामत में पता चलेगी। और दूसरे हवाले से भी काबिल एहतराम है कि आप असर पर सुने हैं, मेरे आका ने फरमाया असर से लेकर मगरब तक ये बड़ी कबूलियत का वक्त है। हुजूर कैसे कबूलियत का वक्त है, फरमाया मेरी उम्मत के अमाल मेरे सामने पेश हो रहे हैं, ये आज की दिल्ली सरकार के सामने पेश हो रही है, रहमत वालों देख रहे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं आका जब अमाल गुलामों के सामने आए तो आप देख कर क्या फरमाते हैं, और मैं जाबिर देखता हूँ अमाल दुरुस्त हो तस्दीक करता जाता हूँ, कोई कमी रह गई हो सिफारिश करता जाता हूँ। लेकिन आज सिफारिश की बात नहीं, आज की तस्दीक की तस्दीक ही तस्दीक है। क्यों? कि अल्लाह के हबीब की बात है या हबीब के घराने की बात है। परवरदिगार तमाम हाजरीन के दामनों को आले बैत सहार की कीमतों पर अगाज से मालामाल फरमाए। ये हस्तियां वो है जिनका पूरी उम्मत पर एहसान है, पूरी कायनात पर इस घराने का एहसान है, उनकी कुर्बानियों के क्या कहने। पर हम लोग कुर्बानी को क्या समझेंगे, हम तो कुर्बानी की हकीकत को समझे ही नहीं, हम तो कुर्बानी का फलसफा समझे ही नहीं है। जबकि महीनों के नाम इंसान को बहुत बड़ा दावत फिक्र दे रहे हैं, पहला महीना मुहर्रम और आखिरी महीना ज़िलहिज्जा इस्लामी एतबार से। और कभी गौर किया मुहर्रम की दसवीं तारीख की कुर्बानी, ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख की कुर्बानी, मुहर्रम की दसवीं तारीख औलाद रसूल की कुर्बानी है, ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख अजदाद रसूल की कुर्बानी है। तो यूनान के खुश नसीब मुसलमानों आज जब मुहर्रम की दसवीं तारीख हो करबला से आवाज आती है, ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख हो मीना से आवाज आती है, ए उम्मत मुस्लिमा तुम्हारी तारीख का आगाज भी कुर्बानी है, इंतहा भी कुर्बानी है। हमारा साल कुर्बानी से शुरू होता है, हमारा साल कुर्बानी पे खत्म होता है, पर हम कुर्बानी को क्या समझेंगे। हमारे पास उस दीन के लिए वक्त देने का कोई इरादा नहीं, कुरान के लिए वक्त नहीं दे सकते, दीन के लिए वक्त नहीं दे सकते, महफिल के लिए वक्त नहीं दे सकते, बल्कि नमाज के लिए भी वक्त नहीं दे सकते। हम क्या समझेंगे कुर्बानी क्या है, जबकि ज़िमन एक हदीस पाक सुन लो कि नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है। नमाज के लिए वक्त कुर्बान करना ये मोमिन की इज्जत है, मोमिन का शहबा है। अल्लाह के हबीब हालत सफर में थे, रास्ते में रात आ गई, रहमत वालों ने सहाबा की गिनती लगाई, फरमाया कि ए फलां सहाबी तूने सामान की हिफाजत रखी है, तूने ऊँटों को देखना है, तूने पानी की हिफाजत, सब की अपने अपने डिप्टी लगाई। और फरमाया बिलाल तुम फजर की अजान का हो, सब अपनी अपनी डिप्टियाँ सुनकर अपने अपने मकाम पर आराम फरमा हो गए, यहाँ तक कि रहमत वालम भी आराम फरमा हुए, हुजूर भी सो गए, सूरज तलू हो गए। जब सूरज की शुआएं रसूलुल्लाह के चेहरे अधर में पड़ी, हुजूर उठे। अब मैं कहा करता हूं कि नींद की कहां जरूरत के हुजूर के करीब आ सके, हम सब लोगों की नींद गैर इख्तियारी है, रसूलुल्लाह की नींद इख्तियारी है। हम जब सोते हैं वुजू टूट जाता है, मुस्तफा जब आराम फरमाते हैं वुजू नहीं टूटता, इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं ऐरान तनमान वला यनाम कल्बी, लोगों मुस्तफा की आंखें सोती हैं दिल।